नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए जो हमने आपका मैथ स्टार्ट किया था वो आप यहां पे देख रहे हैं। और आपका चैप्टर नंबर ये आपका 9 है, जिसमें हम 9.5 एक्सरसाइज तक आपको कंप्लीट करा चुके हैं। और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत 9.6 के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हम करेंगे। और ये वीडियो नंबर जो आपका है वो 17 होने वाला है। तो इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं आप जाकर के जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएँ और आप अच्छे से समझ पाएँ क्वेश्चनों को किस तरीके से हल करना है। तो चलिए वीडियो में अंत तक रहिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करें हम। तो देखिए, यहाँ से 9.6 की तरफ हम जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 9.6, यहाँ से देखिए, पूर्ण वर्ग के रूप में दिए गए व्यंजकों के गुणनखंड को ज्ञात करना है। पूर्ण वर्ग के रूप में किस तरीके से, तो देखिए, नंबर वन यहाँ पे देख सकते हैं, यदि व्यंजक ax² प्लस में 2ab प्लस में b² के रूप में दिया हो। अगर इस रूप में अगर आपको दिया हुआ है व्यंजक, तो आपको क्या करना है उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो बराबर में आप इसे क्या करेंगे, इसे तोड़ लें और इसके जो मध्य पद हैं उसको आप दो भागों में तोड़ लें, दो भागों में इसको बांट लें। तो मध्य पद आप देख सकते हो 2ab है, तो ab दोनों को दे दियो। तो देखिए, पहले वाले को ए भी दे दिया, दूसरे वाले को ए भी दे दिया, क्योंकि दो ए भी था तो एक एक दोनों में बांट दिया। बांटने के बाद हमको क्या करा, देखिए, दोनों में हमने कोष्टक लगा लिया, दोनों में आप देख सकते हो, दोनों में कोष्टक लगा के इनको बंद कर लिया। अब इनमें से हमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो कॉमन पहले में ए मिल रहा था, दूसरे में हमको बी कॉमन मिल रहा था। अब देख सकते हो इस कोष्टक में और इस कोष्टक में क्या आया, सेम आया हुआ है। तो ये दोनों हम निकाल लेंगे, ए प्लस बी जो कोष्टक में आया हुआ है, ए प्लस बी को हम बाहर निकाल लेंगे। तो a प्लस बी को हम बाहर निकाल लेते हैं, यानी कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। तो दोनों समूहों में से सार गुणा ए बी का मिलेगा, निकलेगा। तो ए बी हमने निकाल लिया a प्लस बी को, तो दूसरे कोष्टक में हमारा a प्लस बी ही बच जाएगा, तो a प्लस बी आ गया। प्रत्येक पद के सार गुणज a प्लस बी दोनों के निकल के आए हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमने क्लास 5 से ही हमने इसे पढ़ना चालू करा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस का b² प्लस का 2ab। तो इस तरीके से हमने इसको पढ़ा हुआ था और आज हमने देखिए यहाँ पे सिद्ध करके भी पूरा दिखाया हुआ है। तो आसानी से आप समझ सकते हो इसको किस प्रकार से करना है। अब आप समझ गए होंगे, इसी प्रकार से आपका माइनस वाला भी आप कर पाएंगे। तो देखिए, इससे हमको ये पता चलता है, इतेव यदि व्यंजक की दो राशियों के वर्गों तथा उन्हीं राशियों के गुणनफल के दोगुने का योगफल के रूप में हो। यानी कह रहा है, देखिए, दो व्यंजकों के स्क्वायर से, देखो, a² प्लस का b², इन दोनों का गुणनफल, ab गुणनफल में आ जाएगा, ये बराबर, मैंने देखिए बराबर नहीं है, प्लस में यहाँ प्लस करना है हमको, और ab गुणनफल हो गया, इसका दोगुना करके इसको जोड़ देना है, तो हमें ये मिल जाएगा दोनों का, यही बात कर रहा है यहाँ पे। तो व्यंजक उन राशियों के योगफल का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो बस बराबर में कह रहा है, दोनों का योगफल का पूर्ण वर्ग बन जाएगा अगर हम इस तरीके से खोल देते हैं a² प्लस का b² और प्लस का 2ab। तो कह रहा है कि दो राशियों का वर्ग, देखिए, इस राशि का वर्ग, इस राशि का वर्ग, इन दोनों का गुणनफल, गुणनफल का दोगुना करके इनमें जोड़ दिया जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, यही कह रहा है। ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है इसमें यही बोला हुआ है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर a² माइनस का 2ab प्लस का b², यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसको किस प्रकार से बनाएंगे, तो देखिए, इनका जो माइनस का ए बी 2ab है, इन दोनों को बांट दीजिए दोनों में, एक एक ए बी, देखिए, इसमें भी हमने ए बी दे दिया, इसको भी ए बी दे दिया माइनस का। अब दोनों के हमने कोष्टक लगा दिया, इसमें भी कोष्टक, इसमें भी कोष्टक लगा दिया। अब इन दोनों में से हमको कॉमन क्या मिल रहा, तो पहले वाले में ए कॉमन मिल रहा था, दूसरे वाले में हमको बी मिल रहा था। अब देखो, यहाँ पे ए माइनस बी और ए माइनस बी दोनों में सेम टू सेम आएगा। अब दोनों में से ए माइनस बी आप बाहर निकाल लो, तो ए माइनस बी हमने देखिए बाहर निकाल लिया, दूसरे कोष्टक में भी ए माइनस बी बचाएगा, तो a माइनस का ये और माइनस का b आपका है, इस तरीके से a माइनस बी बचाएगा। तो a माइनस बी यानी a² माइनस का 2ab प्लस का b². तो अब यहाँ पर जो a माइनस बी लिखा हुआ है, तो इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। तो बस a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया, तो इस तरीके से आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आप पढ़ रहे होंगे बचपन, मतलब क्लास 5 से ही आपने पढ़ा होगा कि a² प्लस का b² माइनस का 2ab। तो यही सेम टू सेम है आपका, तो आपका वही है, इसमें कुछ आपको अलग से नहीं करना है,
देखिए यहाँ पर भी वही बताया गया कि दो दो राशियों का व्यंजक है उनका स्क्वायर, तो जैसे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और इन्हीं राशियों का योग गुणनफल तो ए बी हो जाएगा, और ए बी का दो गुना करके इसमें से घटा दिया जाए, तो घटा दिया जाए तो हमको क्या मिल जाएगा, ए माइनस बी के होल वर्ग यानी दोनों के वर्ग के बराबर मिल जाएगा। यही राशि यहाँ पे ये लैंग्वेज लिखी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं इसको आसानी से, हमने आपको समझा दिया है। अब यहाँ से देखिए हमको क्या निष्कर्ष मिला दोनों से, इतव यदि द्विघाती बहुपद ऊपर के दोनों सूत्रों में से किसी एक के बाएं पक्ष से मेल खाता है तो दूसरे गुणनखंडों को दाएं पक्ष की तरह लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं, यानी एक पक्ष का मेल खा रहा है तो दूसरे पक्ष की तरफ से हम लिख देते हैं, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इस तरीके से मैच खा रहा है, तो इसे हम लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का टू ए बी इस तरीके से, तो वही कह रहा है तो बराबर में दोनों बराबर हैं तो हम इसे लिख सकते हैं इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उदाहरण देखिए, उदाहरण में आप देख सकते हैं वन प्लस टेन ए और प्लस में 25 ए स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए, तो इसमें इनके गुणनखंड करने हैं, आप ये देख सकते हैं पूरा आपको व्यंजक दिया हुआ है, तो आप इसको देखिए वन है तो वन को वन का स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस यहाँ आपको 25 ए स्क्वायर दिख रहा होगा तो 25 ए स्क्वायर का मतलब हो गया 5 ए का, अगर आप इसे होल स्क्वायर लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है लिख दिया, ऐसे प्लस कर देंगे, पर यहाँ पर जो प्लस में लिखा हुआ है इसमें आप देख सकते हो 10 ए भी लिखा हुआ है, इसे लिख दें हम 2 × 5 ए, तो 5 ए और 2 × 1 लिख दें तो ये 10 ए भी तो बनेगा, तो ये देखिए 2 ए भी बनेगा, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये 2 ए भी हो गया, तो यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूरा बन गया है ये, इसी तरीके से हमने इसे पहचान लिया, तो अब देख सकते हो इसे हम लिख सकते हैं 1 + 5 ए का होल स्क्वायर, 5 ए का होल स्क्वायर, और इसे ए इससे हमने खोला हुआ है ए स्क्वायर प्लस का 2 ए बी प्लस का बी स्क्वायर, तो इसे हमने खुला हुआ था इसे हमने बंद कर दिया है, तो 1 + 5 ए का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, इस तरीके से आप समझ सकते हो। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरे एग्जांपल में ए स्क्वायर प्लस का 2 + 1/a² दिया हुआ है कि गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड की बात कर रहा है, तो इसमें भी आप इसको सूत्र बना सकते हो, जैसे ए स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर प्लस का 1/a² हो जाएगा, प्लस का 2 ए भी होता है तो 2 × 2 में 1 की जगह रख दोगे ए, ठीक है, 2 में 1/a रखोगे इस तरीके से, तो ये ए से ए कट जाएगा तो 2 ही तो बचेगा हमारे पास, 2 ही बचेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 + a + 1/a का होल स्क्वायर दोनों को इस तरीके से, तो वही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे भी कर सकते हो, आसानी से समझ सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है उदाहरण नंबर 3, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2 ए + b + c कोष्टक में दूसरे कोष्टक में a − b − c प्लस में a − b − c का होल स्क्वायर के गुणनखंड करिए, तो इसके गुणनखंड आपको करने हैं, आप किस प्रकार से इसे कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर पूरा हमने सवाल को लिख लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो देखिए इसको अब हमको इसको खोलना है, देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरा 2 ए बी 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए a + b + c और दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ a − b − c प्लस का a − b − c का होल स्क्वायर, तो इसको किस तरीके से खोला हुआ है तो आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पर आप इस ये जो पोर्शन आपका पूरा दिया हुआ है यहाँ पर आप देखेंगे तो a + b + c का होल स्क्वायर टोटल का होल स्क्वायर प्लस का 2 और यहाँ पे ये पूरा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इस फॉर्मेट में, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए a + b + c ये दिख रहा है आपको कोष्टक में प्लस का a − b − c का होल स्क्वायर, यानी दोनों का आपका होल स्क्वायर कर दिया a + b + c का, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 ए भी पूरा बना हुआ है, क्या बना हुआ है 2 ए भी, और ये बी स्क्वायर लिखा हुआ है और ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसे हमने अब क्या करना है, हमें को इसको कोष्ठक में बंद करना है, तो वही तो हमने करा हुआ है, देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला पोर्शन पूरा, ये पोर्शन आपका ए है और ये पोर्शन आपका बी है, और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है वो आपका 2 ए भी लिखा हुआ है, जहाँ पर आपका ए बराबर लिखा हुआ है a + b + c और ए बी बराबर लिखा हुआ है a − b − c, तो ये आपका है, तो इसे आप क्या कोष्ठक में बंद कर दीजिए,
तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ये ए का वैल्यू रखा हुआ है, ये बी का वैल्यू रखा हुआ है, दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे तो होल स्क्वायर कर दिया गया है। अब दोनों को हमने खोल लिया अंदर की साइड पे, हमने इसे काट पीट लेंगे, तो काट पीट लेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे बी प्लस का है ये बी माइनस का है कट जाएगा, ये सी प्लस का है ये सी माइनस का ये कट जाएगा, केवल ए बचेगा अंदर कोष्टक में, ए ए बचेगा तो ए हो जाएगा टू ए, और टू ए का कर देंगे होल स्क्वायर तो बराबर हो जाएगा फोर ए का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपका ये आप समझ सकते हो, इसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर चार देखिए, आपका एग्जाम्पल नंबर चार में लिखा हुआ है एक्स पावर फोर प्लस टू प्लस एक्स पावर फोर बन अपन एक्स पावर फोर, और यहाँ एक्स बराबर रूट में इसने थ्री कहा है कि रूट बराबर एक्स बराबर रूट में आपका थ्री है, तो हमें सीधा पहले सी सॉल्व कर लेते हैं इस चीज़ को ही, तो इसे एक्स फोर का स्क्वायर तो इसे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बना दीजिए, प्लस में टू टू ठीक है ये टू भी बनेगा, तो इसे पहले से रख दीजिए इसे वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पे टू, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए बी ए, और यहाँ पे बी हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो टू ए बी ही बचेगा, तो इसे हम कोष्टक में बंद कर सकते हैं पूरे को उठा के किस में, तो इसे हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर, तो यही यहाँ पे आपको बनाया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे रूट थ्री वैल्यू रख दो एक्स की बराबर, तो एक्स के बराबर रूट थ्री वैल्यू दिया हुआ है इसने, तो रूट थ्री का होल स्क्वायर करना है प्लस वन अपॉन रूट थ्री का होल स्क्वायर करना है, उस टोटल का होल स्क्वायर करना है, तो थ्री का अगर होल स्क्वायर रूट थ्री का होल स्क्वायर करोगे आप थ्री का होल स्क्वायर करोगे तो इसका रूट थ्री दो बार मल्टीपल करोगे तो इसका आ जाएगा थ्री ओनली, ठीक है थ्री आ जाएगा, तो थ्री वही हमने लिख दिया यहाँ पे, देखिए थ्री लिखा हुआ है वन अपॉन थ्री। अब इसे हम करेंगे तीन तरह का नौ और एक दस हो जाएगा, दस बट्टे तीन हो जाएगा, दस बट्टे तीन का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा सौ बट्टे नौ, कितना आ जाएगा सौ बट्टे नौ आपका आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे कर पाएंगे। अब अगले वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस करा दूंगा, 9.6 के कितने क्वेश्चंस आपके लिए दिए गए हैं, तो आपको 11 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो ये 9.6 के सभी क्वेश्चंस को मैं अगले वीडियो में आपको समाप्त करा दूंगा, ओके। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा और आप वीडियोज़ को लगातार देखिएगा, जितनी भी वीडियोज हो चुके हैं पहले ही वीडियो देख लीजिए, और ये सभी वीडियोज़ आपके आने वाले हैं, इनके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी अपडेट्स मिल पाएँ। ओके थैंक यू।